बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार हर दिल में राज करते हैं। अक्षय की हर एक फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अक्षय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म राम सेतु को लेकर सुर्खियों में है। राम सेतु में अक्षय एक नए किरदार में फैंस से रूबरू होने वाले हैं। ऐसे में अब फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राम सेतु की शूटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 की कहर के कारण शूटिंग को रोक दिया गया था। अब मेकर्स ने एक बार फिर से शूटिंग करने के लिए अपनी कमर कस ली है। राम सेतु की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग को ही रोक दिया गया था। अब फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। अगले माह जून से फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग 4 जून से लेकर 20 जून के बीच शुरू हो सकती है। इसके लिए मेकर्स ने खास प्लान कर रखा है। अब लगभग तय हो गया है कि फिल्म की शूटिंग 20 जून से एक बार फिर से शुरू होने वाली है। अक्षय कुमार के फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ये साफ हो गया है कि कोरोना होने के बाद अब एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार काम में लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी। फिल्म का एक अहम हिस्सा श्रीलंका में शूट किया जाएगा। राम सेतु फिल्म में अक्षय के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी मुख्य भूमिका में हैं। इतना ही नहीं, फिल्म को एकदम वास्तविक रूप देने के लिए VFX टीम ने फिल्म सिटी में गुफाओं का सेट बनाया है, जिसके जरिए अक्षय राम सेतु की लोकेशन तक पहुंचते दिखेंगे। इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार इस एक आर्कियोलॉजिस्ट की किरदार को जीते नजर आएंगे। अक्षय के पास राम सेतु के अलावा बेल बॉटम, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, पृथ्वीराज और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों की लाइन लगी हुई है।